आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि आज अच्छी बात है और हम स्वागत करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हम पिछले कई समय से ये कह रहे थे कि उन्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहिए, हमारे LOC पुंछ राजौरी में इनकाउंटर्स चल रहे हैं, JCOs जवानों शहीद हो रहे हैं और आप जम्मू कश्मीर का दौरा करें, और साथ में ये भी मांग कर रहे थे कि हमारे कश्मीर में मासूम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग, सिख, कश्मीरी पंडित, हिंदू और यहां तक कि मुस्लिम भाई बहन भी घरों में घुस करके, स्कूलों में घुस करके अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो है उनकी शहादतें कर रहे हैं। तो इसलिए हम पिछले कई समय से ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करें और या फिर जम्मू कश्मीर का दौरा लगाए। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा लगाया है, जम्मू का, LOC का, तो हम इनसे ये गुजारिश करेंगे कि आप कश्मीर के माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, जिसमें ये सारे तमाम हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं कि वो इन इनोसेंट किलिंग्स के पीछे उनका हाथ नहीं है, उसके ऊपर भी आप एक बयान जारी करें और कश्मीर में जो मासूम लोगों की जाने गई है, वो सिख बहन की शहादत हुई है, टीचर्स की शहादत हुई है, मेडिकल शॉप वाले कश्मीरी पंडित साहब की शहादत हुई है और कई मुस्लिम भाइयों की भी शहादतें हुई है, और जब वो कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि इन हत्याओं के पीछे कश्मीरी मुस्लिम नहीं है, तो उन्हें विश्वास में लीजिए, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। और ये ऐसे विवादित बयान जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, जो नफरतों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए जो वो मुस्लिम भाइयों के विरोध में बयान दे रहे हैं, उनको रोका जाए। और साथ में हम उनसे ये कहेंगे कि ये दरबार मूव को शुरू किया जाए, 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत हमको वापस दी जाए, हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर से इकट्ठा करके POK गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए। और साथ में हम उनसे यह भी मांग करते हैं कि हमें हमारी रियासत का दर्जा चुनावों से पहले मिलना चाहिए, और हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप अपना स्टैंड क्लियर करके जाएं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, POK गिलगित बल्टिस्तान को कब आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे, और जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर की आवाम को विश्वास में लेकर के आप फिर से आपसी भाईचारा शुरू करें, क्योंकि जब तक